नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। रेलवे में वैकेंसी का आई है और यदि आपको अवसर मिलता है रेलवे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही आईटीई बेस्ड नॉन टेक आपको इस क्लासेज चैनल पर रेगुलर क्लासेज दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। अब आपके पास अंतिम अवसर है इसे अप्लाई करने का, तो जरूर कर दीजिए। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है और अप्रेंटिसशिप को वैकेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों दिए जाते हैं। सीटें काफ़ी हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी सीटें हैं, टोटल 550 सीटें हैं सारी ट्रेड की मिलाकर। और आप अपनी ट्रेड वाइज दे सकते हैं, फिटर की 215, वेल्डर की 230 और आपके इलेक्ट्रिशियन की 75 है, और अपनी कैटेगरी से देख सकते हैं। सारी सीटों का नोटिफिकेशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने कहा है कि 10th के जो आपके परसेंटेज है उनका कैलकुलेशन होगा, साथ ही आईटीआई में जो आपके परसेंटेज है उनका कैलकुलेशन होगा। मान लेते हैं 10th में आपकी 80% है और आईटीआई में आपके 90% है, तो दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग दे देंगे तो 170 का जितना आधा होता है उतने आपके परसेंटेज बन जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से इन्होंने किया है। और आपके 10th में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, इन्होंने ऐसा भी कहा है। एज के लिए आगे मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले तो बता दूं, एज के लिए इन्होंने कहा है कि आपकी 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष, एज का कैलकुलेशन करेंगे 31/3/2023 के अकॉर्डिंग। 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी जो मिलती आई है, ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी एसटी को 5 वर्ष की, साथ ही पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी को मिलेगी 10 वर्ष की छूट। आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, साथ ही आप देख लीजिए पूरे नोटिफिकेशन में यदि आपसे रिलेटेड कोई बात आती है तो पढ़ लीजिए। मैं कॉमन जो बातें होती है वो आपको 5 मिनट में बताना चाहता हूँ। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, साथ ही 50% से या फिर 10th के इक्विवेलेंट आपको कुछ पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे आईटीआई सर्टिफिकेट कहा जाता है वो होना चाहिए, और वो भी किससे, इश्यूड बाय एनसीवीटी लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, केवल एनसीवीटी से आईटीआई होनी चाहिए, एससीवीटी वाला यहाँ नहीं चलेगा। परसेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इन्होंने ऐसे ही दे रखा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और अप्रेंटिसशिप में ज़्यादातर यही होता है, पंजाब अप्रेंटिसशिप जो आई है उसमें एग्जाम लिया जाएगा, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जरूर देख लीजिए। 1500 पोस्ट है, यदि पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर देखिए। और भी रोज वैकेंसी आती है, मैं 3-4 वीडियो बनाता हूँ दिन में, तो आप उनमें अप्लाई कर दीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो सकती है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है, कम लोगों को पता होता है। 100 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है, ये भी अनरिजर्व है और ओबीसी से ली जाएगी। साथ ही देख लीजिए यहाँ लास्ट में इन्होंने पॉइंट लिखा है कि एग्जाम फीस से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट को फीस से मुक्त रखा गया है, उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई के लिए वेबसाइट दे रखी है www.rcf.indianrailways.gov.in, वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, साथ ही यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, आप पढ़ लीजिए, और डॉक्यूमेंट तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ भी बता देते हैं। लास्ट डेट देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट डेट है आपकी 4/3/2023 की, तो ये आपकी मार्च की लास्ट डेट है। 3 दिन का टाइम आपके पास है, यदि अभी तक आपको नहीं पता है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ट्रेनिंग पीरियड और स्टेपेंड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है अप्रेंटिस एक्ट 1961, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 7,700 रुपये मिलेंगे, यही आपका रूल कहता है, 7,700 रुपये आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, तो आपको लिए ठीक है। यदि आप नियर के हैं यानी कि आसपास के हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में इन्होंने कहा बिफोर, आपको एक वर्ष का कोर्स ही होता है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो एक वर्ष का होता है। साथ ही आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भी
फिल करवाना है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगते हैं, तो यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आता है तो आपको उस टाइम बनवा लेना है किसी भी डॉक्टर से। डॉक्टर के बारे में भी लिखते हैं कि डॉक्टर आपके किस लेवल का होना चाहिए, ये भी मैंने आपके लिए पढ़ा है। ये देखिए ये होता है, द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी, डॉक्टर होना चाहिए आपके पास। गेज इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, यानी कि असिस्टेंट जो सर्जन होता है उससे नीचे कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल का हो सकता है, तो आप इनसे लिखवा लीजिए, जो भी ये मांगे वो आपको लिखवा लेना है। हेल्प डेस्क यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये रहे मोबाइल नंबर, ये दो तीन मोबाइल नंबर हैं, आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, डेट और टाइम दे रखें। हॉलीडेज को आपको नहीं करना है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तो आप पढ़ लीजिए इस न्यूज नोटिफिकेशन से, आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। यही थी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ये इन्होंने दे रखा है, पूरा क्राइटेरिया आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, फिर डॉक्टर से फिल करवाना है प्रिंट आउट करके, और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसके साथ लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।